C-58 लॉन्च करेगा सतीश धवन, अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, श्रीहरिकोटा से तस्वीरें आपके सामने। तो थोड़ी देर में ऐतिहासिक छलांग लगाएगा इसरो, स्पेस में कहां से आई एनर्जी इसरो ये पता लगाएगा। तो ये श्रीहरिकोटा से तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तो दुनिया के वैज्ञानिकों की निगाह आज इसरो पर ही टिकी हुई है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग करेंगे 10 सेकंड तक। तो 2024 के पहले दिन इसरो आज इतिहास रचने जा रहा है। तो 2024 नए साल का आगाज हो चुका है और नए साल पर इतिहास रचने आज इसरो जा रहा है श्रीहरिकोटा से। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपके सामने यहाँ रख रहे हैं। तो दुनिया के वैज्ञानिकों की निगाह भी आज इसरो पर ही टिकी हुई है। द्वितीय चरण, तो 2024 के पहले दिन इसरो इतिहास रचेगा, थोड़ी देर में ऐतिहासिक छलांग लगाएगा इसरो, और स्पेस में एनर्जी दरअसल कहां से आई है इसरो इसका पता लगाएगा। तो अब से थोड़ी देर में लॉन्चिंग कर दी जाएगी यहां PSLV C-58 की। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग करेंगे। इसके प्रतिकन के 1 सेकंड के पश्चात ही तृतीय चरण जो की उच्च निष्पादन वाला HPS-3 चरण है, ठोस नोदक पर आधारित चरण, इसका प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। तृतीय चरण का प्रज्वलन काल 123 सेकंड का होगा और इस समय यान 206.8 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.23 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुका होगा। तृतीय चरण के कार्यकाल के पश्चात तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्ट फेज की शुरुआत करेंगे। इस दौरान कोई भी प्रज्वलन नहीं हो रहा होगा और यह कोस्ट फेज करीब 200 सेकंड। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-58 की आज लॉन्चिंग करेंगे। अब से कुछ देर का वक्त रह चुका है, 2024 की शुरुआत बेहद शानदार अचीवमेंट के साथ होने जा रही है। आज इसरो इतिहास लिखने जा रहा है। सतीश धवन आज PSLV C-58 की अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग अब से कुछ देर में यहां करने वाले हैं। तो कहां से आती है शक्ति, कहां से स्पेस में कहां से आई है एनर्जी, इसका पता आज इसरो लगाएगा जब PSLV C-58 की सतीश धवन कर देंगे आज अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग। तो साल 2023 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग और सौर मिशन के सफल लॉन्च के बाद अब नए साल का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी साल 2024 की तारीख बेहद खास इस रूप में होने जा रही है कि इसरो साल के पहले दिन दुनिया का दूसरा और देश का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जो पल्सर, ब्लैक होल्स, आकाश गंगा, रेडिएशन की स्टडी करेगा कि स्पेस में आखिर एनर्जी कहां से आ रही है ये पता लगाएगा इसरो। इसकी लॉन्चिंग आज करेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। PSLV C-58 इसे नाम दिया गया है। अब से कुछ ही देर में श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग की तस्वीरें भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो इसका नाम है एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट, इसे नाम दिया गया है। तो 9:10 पर लॉन्चिंग की जाएगी। 10 अन्य वैज्ञानिक पेलोड्स का परीक्षण यहां करेंगे। सबसे ज्यादा चमकने वाले स्रोतों पर स्टडी की जाएगी इसकी लॉन्चिंग के जरिए। 9.5 करोड़ की लागत का मिशन रखा गया है। 2 पेलोड पॉलिक्स और फैक्ट इसमें शामिल हैं। 15 सेकंड की दूरी पर PSLV C-58 से एक्सपोसेट का प्रक्षेपण किया जाएगा। तो वक्त है 9:10 का और देखिए ये काउंटडाउन यहां पर शुरू होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। 1-0 तो लॉन्चिंग कर दी गई है। Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोचन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds.
देखते समय यान अपने अधिकतम गतिक दाग से गुजरता हुआ प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा, तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। शार्ट ट्रैकिंग स्टेशन करेंटली ट्रैकिंग द फ्लाइट। दोनों स्ट्रैप ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। प्रेजेंटली द कोर S-139 मोटर अलोन थ्रस्टिंग, द स्ट्रैप ऑन्स हैव बीन सेपरेटेड। दिस स्टेज विल कैरी द रॉकेट टू 57 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड एंड एट 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड एज अ रिलेटिव वेलोसिटी। इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथकन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन।